हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शालोम एडुवेयर। मैं डॉक्टर सोनाली आज आपके सामने बात करने वाली हूँ कोरोना वायरस और उसके एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में। आज हमारी सोसाइटी में कोरोना वायरस ने काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया है और रिसेंटली वर्ल्ड में बहुत से साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि ये वायरस एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको कि हम कहते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। तो आज हम समझेंगे उन एविडेंसेस को जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस को सपोर्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू शालोम एडुवेयर और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नोवेल कोरोना वायरस यानी कि सार्स कोवी टू, जिसका की फुल फॉर्म है सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोवी टू, ह्यूमन्स में कोविड-19 कॉज करता है और मार्च 11, 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया था और आज की डेट तक मोर देन 12 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं एंड मोर देन 5 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड हो चुकी हैं। जब हम वायरस के ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसको कि हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन बेसिकली एक डायरेक्ट वे में होता है और इनडायरेक्टली भी होता है। तो डायरेक्टली जब इन्फेक्टेड पर्सन के मुंह से या नोज से ड्रॉपलेट्स एमिट होते हैं और वो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद अनइन्फेक्टेड पर्सन, तो हो सकता है कि इनहेलेशन के थ्रू अनइन्फेक्टेड पर्सन उस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर ले। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन इनडायरेक्टली भी होता है तब जब लार्ज ड्रॉपलेट्स जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में लैंड करते हैं, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं और अगर अनइन्फेक्टेड पर्सन कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दोज कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स तो वो वायरस इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दी अदर हैंड ह्यूमन एटोमाइजेशन होता है वायरसेस का जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ करते हैं या स्नीज करते हैं, तो जब वो कफ और स्नीज करते हैं तो उनके मुंह से कुछ लार्ज ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिनका साइज 5 माइक्रोन से ज्यादा होता है और कुछ वायरस कंटेनिंग एरोसोल्स यानी कि जिनका साइज लेस देन 5 माइक्रोन होता है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर ये वायरस बेयरिंग एरोसोल्स को अनइन्फेक्टेड पर्सन इनहेल करता है तो वायरस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू अनइन्फेक्टेड पर्सन में भी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो एरोसोल्स जो होते हैं बेसिकली डिस्पर्स होते हैं एफिशिएंटली इन एयर और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन एक्सटेंडेड डिस्टेंस और टाइम में अकर कर सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस यूएसए में कुछ साइंटिस्ट ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने कंपेयर किया एरोसोल और सरफेस स्टेबिलिटी ऑफ सार्स कोवी टू विथ सार्स कोवी वन। तो स्टडी में बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नोवेल कोरोना वायरस है वो एरोसोल्स में काफी समय तक फॉर मेनी आवर्स वो वायबल रह सकता है। तो उनकी स्टडी में उन्होंने कंक्लूड किया कि ये वायरस जो है कोरोना वायरस ये वायबल और इन्फेक्शियस स्टेट में एरोसोल्स में फॉर आवर्स रह सकता है, इसीलिए एरोसोल ट्रांसमिशन ऑफ सार्स कोवी टू इज प्लॉसिबल। अनदर ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम यूएसए इटसेल्फ, उन्होंने एक एनालिसिस कंडक्ट किया ऑन आइडेंटिफाइंग कि क्या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन एक डोमिनेंट रूट है फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन आवर सोसाइटी। तो इसके लिए उन्होंने बेसिकली पैंडेमिक का ट्रेंड ऑब्जर्व किया और उसका एनालिसिस किया फ्रॉम January 23rd टू May 9, 2020 तीन जगह में, एक वुहान में, इटली में और न्यूयॉर्क सिटी में। Plus, epicenter basically shifted from Wuhan to Italy in early March and then to New York City in early April. फिर उन्होंने basically interpret किया differences in the pandemic trend by considering the mitigation measures, यानी कि जो preventive measures implement हुए थे worldwide. चाइना में government ने mitigation measures opt किए थे जो कि है extensive testing, quarantine, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लॉकडाउन, आइसोलेशन ऑफ रेजिडेंट्स हैविंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, और उन्होंने एक और चीज कही कि फेस मास्क पहनना जरूरी है पब्लिक में। हाउएवर यूएसए में March 16 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस को इश्यू किया जो कि था कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, क्वारंटाइन करना है एंड आइसोलेशन करना है।
एंड इवन स्टे एट होम ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट हुए थे मार्च 22 से न्यूयॉर्क सिटी में, बट स्टिल वहां पे वेयरिंग ऑफ फेस मास्क वॉज नॉट मैंडेटेड और वहां पे केसेस कंटिन्यूसली राइज हो रहे थे. ऑन अप्रैल 6, 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेस मास्क पहनना के लिए एडवाइस किया, बट उनका एजेंडा एक ही चीज पे फोकस था, इन्फेक्टेड पर्सन फेस मास्क पहने ताकि वायरल ट्रांसमिशन का प्रिवेंशन हो सके क्योंकि ड्रॉपलेट्स फिल्टर आउट होंगे. बट उन्होंने ये चीज को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया कि अनइन्फेक्टेड पर्सन जो है वो वायरस बेयरिंग एरोसोल्स को भी ब्रीद इन करके इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. WHO की एडवाइस लेते हुए नदन इटली ने अप्रैल 6, 2020 में ही फेस मास्क का यूज पब्लिक में मैंडेटरी कर दिया और नेशन वाइड इसका इम्प्लीमेंटेशन मई 4 से होने लगा. न्यूयॉर्क सिटी के रेजिडेंट्स भी फेस मास्क कवरिंग स्टार्ट किया बाय अप्रैल 17, 2020. सो ऑथर्स रियलाइज्ड दैट फेस मास्क पहनने से इन्फेक्शन में रिडक्शन हुआ है. इटली में लगभग 78,000 से ज्यादा केसेस कम हो गए अप्रैल 6 से मई 9 तक के बीच में, और न्यूयॉर्क सिटी में भी 66,000 से ज्यादा केसेस कम हो गए अप्रैल 17 से मई 9 के बीच में. तो इस स्टडी से ऑथर्स ने यह एलुसिडेट किया कि फेस कवरिंग जो है वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है दो रीजन से. पहला, वो एटोमाइजेशन को ब्लॉक करता है, और दूसरा, वो वायरस बेयरिंग एरोसोल्स को इनके इनहेलेशन को भी ब्लॉक करता है. सेकेंडली, फेस कवरिंग से कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी प्रिवेंट होता है क्योंकि वायरल शेडिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स ब्लॉक हो जाता है. इसीलिए वेयरिंग फेस मास्क इन पब्लिक इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू प्रिवेंट इंटर ह्यूमन ट्रांसमिशन. थैंक यू.